हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकिंग फॉर सक्सेस। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैनरा बैंक पीओ की कट ऑफ 116 कैसे चली गई। एंड देखो, बहुत लोग का नहीं हुआ सिलेक्शन, वो काफ़ी नाराज़ हैं इस रिज़ल्ट से कि या इन लोगों ने क्या फर्जी रिज़ल्ट निकाल दिया है। 116 कट ऑफ हाई कर दी, ठीक है। एंड पीडीएफ में नाम जब देख रहे हैं तो वो ज़्यादातर लोग साउथ इंडियन के हैं, ठीक है। तो उसमें आधे से ज़्यादा नाम ऐसे लग रहे हैं जो फर्जी हैं, मतलब एक ही नाम है, टाइटल है ही नहीं, सरनेम ही नहीं है। एक एक नाम उन लोगों ने कहाँ से, ऐसे नाम है जैसे लग रहा है किसी ने फेसबुक में प्रोफाइल बना रखी है। तो बहुत सारे ऐसे एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, जिनका नहीं हुआ है वो काफ़ी नाराज़ है इस रिज़ल्ट से। तो इसके पीछे देखो क्या कारण हो सकते हैं, मैं अपनी तरफ से बताता हूँ मुझे क्या लगता है क्या हो सकता है। फर्स्ट जो रीज़न है मैं आपको बताऊँगा इसके पीछे, कि जो रेशियो है इसका 1:3 है। एंड अदर जो बैंक्स होते हैं उनका जो रेशियो होता है 1:5 होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये मुझे लगता है कि ये रीज़न हो सकता है, क्योंकि देखो कितने लोगों को बुलाया है इन लोगों ने। ऑलमोस्ट अराउंड 1400 लोगों को इन लोगों ने बुलाया, ठीक है। एंड ये 450 सीट के लिए बुलाया है इन लोगों ने, मतलब 3 टाइम्स लोगों को बुलाया है इन लोगों ने, ठीक है। ये कारण हो सकता है कि बहुत कम लोगों को बुलाया है इन लोगों ने। एंड देखो, और दूसरा जो रीज़न है मुझे ये लगता है कि कंपटीशन देखो बहुत ज़्यादा हाई बढ़ चुका है। बैंक ये सिंगल पेपर एग्ज़ाम था, मतलब इसमें कोई प्री नहीं था, कुछ नहीं था। सब लोगों ने इस फॉर्म को भरा, जिसका मन आया उन लोगों ने ये फॉर्म भरा, ठीक है। तो इसकी वजह से आपका कंपटीशन बढ़ जाता है। तो इसमें क्या होता है कि सारे लोग इसको फॉर्म भरने की कोशिश करते हैं एंड क्लियर करने की कोशिश करते हैं, तो ये भी एक कारण है। एंड कंपटीशन तो देखो बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है, एंड ये मुझे कुछ कारण लगते हैं कि हाँ ये हो सकते हैं। आपको अगर क्या लगता है, आपको क्या कारण आपको लगता है कि इतनी ज़्यादा कट ऑफ जा सकती है, वो आप मुझे कमेंट करके बताइए। एंड अगर कोई और बात है तो आप मुझे बता सकते हैं कि क्या फर्जी है तो क्यों है, एंड साउथ इंडियन को इतने ज़्यादा लोग कैसे सेलेक्ट हो गए, ये भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है वो भी आप बता सकते हैं। तो ये आज का वीडियो था, इस वीडियो में मुझे आपको यही बताना था। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।